कुरुक्षेत्र जिला में अवैध कॉलोनियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। रजिस्ट्रियां बंद होने के बावजूद फुल पेमेंट एग्रीमेंट पर करोड़ों रुपए के सौदे हो रहे हैं। कुरुक्षेत्र जिले में 200 के करीब अवैध कॉलोनियों में से 95 ने ही नगर योजनाकार विभाग के पोर्टल पर मूलभूत सुविधाओं के लिए आवेदन किया है। इनमें से 106 कॉलोनी नगर परिषद क्षेत्र और 95 कॉलोनी नगर परिषद क्षेत्र के बाहर है। आपको बता दें कि अवैध कॉलोनियों में से ज्यादातर में पिछले करीब 2 साल से रजिस्ट्रियां बंद हैं। लंबे समय से रजिस्ट्रियां बंद होने से कॉलोनाइजरों के साथ प्रॉपर्टी डीलरों और खरीदारों में भी बेचैनी बढ़ने लगी है। खरीदार रजिस्ट्रियों के लिए प्रॉपर्टी डीलरों पर दबाव बना रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि लाखों रुपए गंवाने के बाद भी प्लॉट धारक इनमें निर्माण नहीं कर पा रहे हैं। कॉलोनियों में निर्माण कार्य शुरू करते ही प्लॉट धारकों को नगर योजनाकार विभाग की कार्रवाई का डर सता रहा है। अब प्रॉपर्टी डीलरों का भी दर्द छलकने लगा है। उन्होंने एकत्रित होकर विधायक के सामने भी रजिस्ट्रियां शुरू करने की गुहार लगाई है। धर्मनगरी में पिछले कई सालों से अवैध कॉलोनियां काटने का कारोबार फल फूल रहा है। कोविड काल के बाद भी कॉलोनी काटने के काम ने तेजी पकड़ी और जिले भर में एक साथ 25 से 30 कॉलोनियां काटी गई। भोले वाले लोग अपनी मेहनत की कमाई के लाखों रुपए लगाकर इन कॉलोनियों में प्लाट खरीद रहे हैं। ऐसे में आप भी सावधान रहें। अगर आप भी प्लॉट लेने जा रहे हैं तो अच्छी तरह जांच पड़ताल कर रहे हैं कि जिस कॉलोनी में आप प्लाट खरीद रहे हैं वो वैध है या अवैध। कहीं ऐसा ना हो कि आपको भी जिला नगर योजनाकार के विभाग की कार्रवाई का सामना करना पड़ जाए। आपको बता दें कि शहर के साथ लगते क्षेत्रों में काटी जा रही अवैध कॉलोनियां शहर की सूरत भी बिगाड़ रही हैं। इनमें से कईयों में सड़कें संकरी हैं, तो इन सड़कों से छोटे वाहनों का निकलना भी मुश्किल है। इतना ही नहीं, इन कॉलोनियों में सीवरेज और बरसाती पानी की निकासी के लिए भी उचित व्यवस्था नहीं होती। इस अव्यवस्था के चलते इन कॉलोनियों में बसने वाले लोगों के साथ साथ लगते क्षेत्रों के निवासियों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जुलाई 2022 से पहले नगर योजनाकार विभाग की ओर से जिले भर में सर्वे किया गया था। इस सर्वे में 200 से भी अधिक अवैध कॉलोनियां मिली थी। इनमें से कई कॉलोनियां तो ऐसी हैं जो बगैर परमिशन लिए पुरानी कॉलोनियों के साथ लगते क्षेत्रों में काट दी गई। इन कॉलोनियों में रुक रुक कर निर्माण कार्य जारी है। नियमानुसार आवेदन करने वाली कॉलोनियों को लेकर किसी भी तरह का निर्माण निर्णय न किए जाने तक इनमें निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता है। वहीं जिला नगर योजनाकार अधिकारी ने मीडिया को दी जानकारी के अनुसार जुलाई 2022 से पहले काटी गई कॉलोनियों के ही आवेदन स्वीकार किए गए हैं। इसके बाद काटी गई अवैध कॉलोनियों पर विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। अभी तक 95 कॉलोनियों के आवेदन विभाग के पास पहुंचे हैं। इन आवेदनों की छंटनी के लिए उपायुक्त की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। अवैध कॉलोनियों में निर्माण करने वालों के खिलाफ भी विभाग की ओर से कार्रवाई लगातार जारी है।